अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे इस व्लॉग का। देखिए थोड़ा डिले हो गया, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि कुछ चीज़ें शॉपिंग की जो थी वो इन स्टोर नहीं मिली, ऑनलाइन ऑर्डर की, तो इस वजह से फिर मुझे इस वीडियो को होल्ड करना पड़ा। अभी कुछ ही देर में शॉपिंग जो की विंटर की वो भी आपके साथ कंप्लीट मैं शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहूँगी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। तो ये था कि वो दिन काफ़ी बिज़ी रहा और सबसे पहले डीप क्लीनिंग की पूरे घर की। इसके अलावा वो चीज़ें जो कि मैंने बच्चों की वजह से हाइड करके रखी हुई होती हैं, जैसे कि ये अगरबत्ती होल्डर, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं मदीना जब गई थी वहाँ से लेकर आई थी, तो रमज़ान में या कभी भी घर में ऐसे दिल चाहे तो मैं बहुत ही सॉफ्ट वनीला या लेवेंडर की जो खुशबू है उसकी ये अगरबत्ती मैं जला लेती हूँ। और ये था कि जब पूरे घर की सफाई मैंने कर ली तो फिर मैंने चिरागा भी किया। तो जब सफाई की, और सफाई तो खैर होती ही रहती है, लेकिन जब ये चिरागा किया, एडिशनल लाइट्स लगाई, तो किरत ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मॉम आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप अपने मुल्क से, ट्रेडिशंस से बहुत दूर रह रहे होते हो, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर कर लिया करें। इससे बच्चों को आपको बताने में भी आसानी हो जाती है कि हमारे जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो फिर मैंने किरत को डिटेल में बताया कि आज 12 रबीउल अव्वल है और इस पर हम क्या क्या करते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा ये जो खाना काबा आपको नज़र आ रहा है और पीछे जो छोटे जमजम के ग्लासेस रखे हुए, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी, मदीना से, मक्का से। तो ये कि ये भी मैंने किरत को दिखाया और बताया, तो वैसे वो साथ ही थी तो उसको भी याद आ गया कि ये अल्लाह ताला का घर है, मैं गई थी। तो देखें ज़बानी बताने में और दिखा के बताने में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर लेके चलें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगी कि वीडियो को आप यहाँ पर चंद लम्हों के लिए स्टॉप कर दें और एक बार हमारे प्यारे नबी पर दुरूद पाक जो है वो उनके लिए पढ़ दीजिए, तो ये कि इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये कि सूजी का हलवा तैयार किया था बटर के साथ और बहुत ही आला, बहुत बेहतरीन ये हलवा बनता है। अम्मी की रेसिपी है, बचपन से खाते आ रहे हैं। अम्मी दो टाइप से बनाती हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये मेरा भी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है और फैमिली में सबको ये बहुत बहुत पसंद है। आई नो अब आप लोग बोलेंगे कि देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं की, कढ़ी की नहीं की, एक दो रेसिपीज़ हैं और अब आप इसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज़ पर मैंने इनको रखा हुआ है। बहुत जल्द आपके साथ मैं ये तमाम रेसिपीज़ शेयर कर दूंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ इतना मज़े का हलवा जो है ना वो बन जाए तो क्या ही बात है। और इस हलवे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये सॉफ्ट रहता है, जितनी बार आप इसको गर्म करेंगे ये पहले से भी ज़्यादा मज़े का लगता है और वो जो गट्ठे से बन जाते हैं ना वो भी बिल्कुल नहीं बनते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द
आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। साथ में तैयार की थी देगी बिरयानी भी। क्या चाहिए बोलो। दे दो। दे दो। ओके। देगी बिरयानी मैं शूट कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, बस एडिट करके इसको अपलोड करना बाकी है। सालन में तैयार किया था बटर चिकन और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। एक ही तरीका है जिसको मैं फॉलो करके बटर चिकन तैयार करती हूँ, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई भी है यूट्यूब पर, तो ज़रूर आप इसको वॉच करें, अच्छा बन जाता है। और अब चलते हैं शॉपिंग की तरफ। शॉपिंग का ऐसा था कि 4-5 डिफरेंट स्टोर्स पे गए, जब जाके पूरी कलेक्शन जो है वो कलेक्ट हुई, बच्चों की, मेरी हस्बैंड की। पहली ग्रे जैकेट जो आपने देखी ये कोलंबिया की थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना रंग ना स्टाइल। फिर सेकंड ये ब्लैक पहनी, ये मुझे बेहतर लगी, कलर भी ठीक था, ये भी कोलंबिया की है लेकिन ये लेंथ में शॉर्ट थी। फिर दूसरे स्टोर पर चले गए और ये मैंने ट्राई की दी नॉर्थ फेस की नेवी ब्लू कलर में पार्का स्टाइल, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी लेकिन आई वॉज लुकिंग फॉर ब्लैक, रियल ब्लैक कलर। फिर ये कोलंबिया की ट्राई की, इसकी लेंथ ठीक थी लेकिन इसका जो ब्लैक कलर था वो मज़े का नहीं था। ब्लैक जैकेट जो अभी आप देख रहे हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये कहीं भी डिस्प्ले पर नहीं लगी हुई थी। और जो ब्लू जैकेट मैंने पहनी पहले वो भी लास्ट पीस बचा हुआ था मीडियम में, तो कैशियर को जब चेकआउट पे पूछा कि हमें ब्लैक जैकेट चाहिए थी, उसने कहा कि ब्लैक जैकेट ख़त्म हो चुकी है बट मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो लकीली फिर स्टोर की बैक साइड पे ये एक बिल्कुल अनटच रखी हुई थी, जो कि उसने फिर मंगवा के दी मुझे, फिर मेरी पसंद की जैकेट मिल गई। जैकेट बाय करते ही फिर हम दूसरे स्टोर पर आ गए और आप ये देखें कि कितनी स्नो गिर रही है तेज़ी से और उस दिन काफ़ी सर्दी थी। खैर फिर यहाँ पर जो दूसरा स्टोर था स्पोर्टिंग लाइफ, यहाँ पर बच्चों की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें एक ही स्टोर से मिल गई। तो अनाया के सबसे पहले शूज़ बाय किए, ये वाले, ये बहुत अच्छे रहते हैं और अक्सर सेल पर भी ये मिल जाते हैं। You are so funny. No, come here. Stand here. उसके वहां लेके उसको खड़े हो। Anaya, you are so funny. You're so funny. Thumbs up. Bebe. नहीं, ऐसे नहीं करो। दिखाऊंगी जो मैंने मेरे लिए बाय किया, तो इसमें एक है जैकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा ग्लव्स, एक नेक को वार्म रखने के लिए जब टेम्परेचर जो है वो -20-25 तक कुछ दिनों में चला जाता है तो उसके लिए ये, और एक स्कार्फ फिलहाल एक लिया है, तो लेटर ऑन में मुझे ये स्टफ़ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डिटेल्स मैं आपको दूंगी थोड़ी देर में, बट ये बहुत अच्छा फैब्रिक है विंटर्स के लिए और कलर भी मुझे अच्छा लगा था।
तो सबसे पहले ये जैकेट है जो मैंने बाय की है एंड दिस इज बाय नॉर्थ फेस. तो कलर मैंने डिसाइड किया हुआ था कि इस बार ब्लैक लेना है, तो ये तो मुझे पता था. कलर्स वैसे मैंने ट्राई किए, डार्क ब्लू ट्राई किया, ग्रे ट्राई किया और ऑलिव ग्रीन तो मेरा जो प्रीवियस जैकेट है वो था ही. तो लेकिन ये मुझे अब तक जितने मैंने ट्राई किए उसमें हर लिहाज से ये मुझे बेस्ट लगा. ग्लव्स का मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये हैं कोलंबिया के ग्लव्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ऐसा आप एक पेयर बाय कर लें तो इट्स इनफ एक सीजन के लिए. और इसका भी ये कि इस पे ये देखिए रिस्ट पे ये इलास्टिक लगा हुआ है और कैचर भी दिया हुआ है जिसकी वजह से सर्दी जो है वो अंदर नहीं आती और अंदर से इसमें भी लाइनिंग हुई हुई है एंड दे आर वेरी वार्म. और ये मैंने बाय किया है ऐसे ही लोकल स्टोर से, तो काफ़ी बड़ा अच्छा लेंथ पे है ये देखिए आप. और अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया और वैसे मैं डेली बेसिस पे इसको पहन रही हूँ. फैब्रिक बहुत अच्छा है और कपड़ा बहुत गर्म है, बिल्कुल भी सर्दी इससे आर पार नहीं हो रही. स्टिल ब्रीदेबल है लेकिन बहुत वार्म है ये कपड़ा. तो इसमें आई थिंक ब्लैक और ब्लू ये दो कलर और भी थे तो मैं वो भी बाय कर लूँगी. ये है कोलंबिया के शूज, देखते हैं कैसे हैं ये. ये मेरा है, आपका तो बाय ऑलरेडी किया हुआ है किधर. तो ये कोलंबिया के हैं और लिखा हुआ है कि -35 फ़ारेनहाइट तक या -32 डिग्री सेल्सियस तक वाटर प्रूफ ब्रीदेबल स्नो बूट्स हैं. तो ये रहे नॉर्थ फेस के स्नो बूट्स. कलर और स्टाइल तो मुझे अच्छा लगा है, ये काफ़ी वार्म भी हैं और ये हैं सोरेल के, तो इसको भी देख लेते हैं. अगर मैं इन दोनों से इसको कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा लाइट वेट है ये. और वैसे सोरेल जो है वो विंटर बूट्स के लिए फेमस है, लग ही रहा है कि काफ़ी वार्म होंगे. ये जो ब्रांड है इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है स्पेशली फॉर विंटर बूट्स. अब जल्दी जल्दी मैं आपको किरत का जो है वो दिखा बता देती हूँ. जैकेट इसका अभी बाय नहीं किया, लास्ट ईयर ही कर लिया था. और ये भी ओरिजिनल डाउन का है दी नॉर्थ फेस का. और ये देखिए बहुत वार्म है क्योंकि स्कूल जाती है और सर्दियों में और सर्दी होती है. तो जो बाय किया है वो ये है, इसके भी कोलंबिया के ग्लव्स हैं, साथ में ये क्लिप्स बाय कर लिए थे, बहुत यूजफुल हैं. इससे क्या होता है कि ग्लव्स मिसप्लेस नहीं होते. जो अभी बाय किया उसमें ग्लव्स थे और ये टोपी. मैंने लाइक 4-5 स्टोर्स पे मैं गई लेकिन ऐसी टोपी मुझे कहीं नहीं दिखी. स्पोर्टिंग लाइफ पर ये मुझे दिखी तो मैंने राइट अवे ये बाय कर ली. और बस ये दो केबल नेट समथिंग कुछ ऐसे इसका नाम है, ये लेगिंग्स हैं. और किरत की ये भी ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो इसमें यही है कि अंदर ये लाइनिंग दी हुई होती है जिसकी वजह से ये विंटर्स के लिए अच्छी रहती हैं. दूसरी ये ब्लैक है किरत की. और अनाया की ये बाय की है, इसकी भी ये है दी नॉर्थ फेस की ओरिजिनल डाउन जैकेट. ये देखिए जस्ट वन पीस, ये इसका हुड फर के साथ और बिल्कुल किरत के जैसी सेम ये इसकी भी ये कैप. बहुत वार्म है इसका भी फैब्रिक और ये वाटर प्रूफ भी है, जैसे जब स्नो हो रही हो बारिश हो रही हो तो ये बहुत अच्छी रहती है. नए के ग्लव्स और ये एक
अनाया की एडिशनल टोपी ये वॉलमार्ट से ही ली थी लेकिन ये भी अच्छी है. अंदर फ्लीस इसमें कपड़ा लगा हुआ और बहुत वार्म है. जैसे जिस दिन कम सर्दी हो तो ये पहना देती हूँ. ये इसकी एक टाइट्स, ये शर्ट, ये तो वॉलमार्ट से ही लिया था. ये एक सर्दियों के लिए ड्रेस विद लेगिंग. और ये इसका स्वेटर लॉन्ग ड्रेस और साथ में ये लेगिंग. और मैंने आपको अपना बताया था कि एक स्वेटशर्ट बाय की है तो वो ये है. सिंपल ब्लैक शर्ट, एक ये स्वेटर जो मैंने पहना. सो दैट्स इट. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली अबाउट जैकेट्स. तो जैकेट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि एक बाय कर लें, अच्छी बाय कर लें. ओरिजिनल डाउन फेदर होना चाहिए उसके अंदर. शूज़ भी एक ही बार बाय करें, अच्छे बाय कर लें जो कि आपको सर्दी से बचाएं. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा. बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. मुझे गाँव में याद रखें. अल्लाह.